खुर्जा लेवल 2 हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से पेशेंट की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खुर्जा में हाल ही में बने कोविड लेवल 2 हॉस्पिटल की शुरुआत होते ही अव्यवस्थाओं और कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने के आरोप सामने आने लगे। आज एक 45 वर्षीय कोविड पेशेंट की मृत्यु हो जाने पर परिजनों ने जमकर CMO और अस्पताल प्रशासन को खरी खोटी सुनाई और अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे CMO सारे आरोप परिजनों के सुनते रहे, बाद में घटना को दुखद बताया। साथ ही प्रकरण की जांच की बात करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी अस्पताल पहुंचा, काफी संख्या में परिजन भी। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, कम से कम इधर घंटे का इंतजाम कराओ, अभी फौरन पहुँच चलना। हम लगा रहे हैं, तुम जो इंतजाम कराओ, फिर शमशान लाएंगे, घर नहीं लाएंगे। कोरोना भी साथ में तो फिर खतरनाक हो ही जाता है। अरे यार, कहिए, मैंने ट्रैक्टर निकाल रहा है वो। भाई भगवान दोनों को संग में चले जाओ यार, सौरभ के दो चार जने कंडा वंडा इधर भी भरवा लाओ, लकड़ी बनवा लो। उसको पहले सोचना जरूरी है, फिर ये सब करके, और आप लोग भी जो नियम है 200 मीटर का, कम से कम उतनी दूरी, जैसे यहाँ सब नज़दीक चले जा रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए। सर कुछ ना कुछ आर्थिक मदद के लिए तो सर हम लोगों की, सर वो सुनिए, ये इनके घर में परिवार में सर कोई नहीं है, बताइए। बॉडी जाने के बाद में सर कोई सुनवाई नहीं होती, आपको पता, रोज कुत्ते कौवे की तरह इलाज है, क्यों नहीं है? लापरवाही क्यों है? पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, ये क्यों नहीं है? कुछ नहीं होता, आदमी मरने वाला मर जाता है, हम भी आधा घंटे हल्ला मचाएंगे। कल परसों जिला प्रशासन, जांच का विषय है कि आदमी की, इसकी जांच कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है इसकी, हमें जांच रिपोर्ट सब कुछ दिखवाइए सर, दिखवाइए सर। मैं भी लूंगा, ये सर लापरवाही क्यों है? बिल्कुल जनता के खून पसीने की कमाई बहन जो गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और ये खर्चा को खुद खा रहे, खर्चा नहीं, किसान की सारी फसल का मार्केट भी डाउन हो गया, साले कोरोना के चक्कर में किसानों, किसान की फसल का मार्केट डाउन तक नहीं मिल रहा। तुम ईमानदार हो के, तुम ही बहन मरोगे सब जाके, खाली तुम ही मरोगे, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, सब खा ले कौन ना मर रहा, कोई ना मर रहा, उसे मंगा लो, फिर क्या हुआ उसके बाद? वो नहीं, वो मैं सभी मंगाऊंगा, इसमें इसमें कोई बात ही नहीं। आपके फोर्स में क्या हम तो ये कहना चाहते हैं, इसमें क्या हो सकता है? हमने ये कहा था, हमने कल सर ये कहा था कि सुनो सर, मेरी सुनिए आप, कल मैंने ये कहा था, जब ये बीमार है, आपके बस की इलाज नहीं है, यहाँ गर्म पानी दे रहे हैं, हमारा पैसा लाख दो लाख कितना भी खर्च हो, हम इनका ट्रीटमेंट अपने स्तर से कराएंगे, प्राइवेट स्तर से। जब इनकी प्लेटें डाउन थी तो क्यों यहाँ क्वारंटाइन करा गया, और क्वारंटाइन करा अपने प्रशासन ने तो यहाँ उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? क्या सुविधा मिली यहाँ पे 24 घंटों में? इतना सुविधा क्या मिली? 24 घंटे में डेड हो गई, 24 घंटे में दो गोली कोरोना की मिली है, बहुत हो लिया। आप उनको किस को कराना है? दो लोगों को कराना है ना, वो तो मलेरिया टाइफाइड में थे, शिकारपुर डॉक्टर आशीष शर्मा की, इनकी तो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सर कल डॉक्टर आशीष शर्मा ने इनको बताया कि आपका जो है पॉजिटिव है, ठीक है। वहाँ इनकी मिसिज को और इनको जिला चिकित्सालय शिकारपुर के लिए भेजा गया, वहाँ से इनको क्वारंटाइन के लिए एकदम वहीं से शिकारपुर से यहाँ के लिए भेज दिया LP के लिए। तो सर कल यहाँ उनकी मिसिज से हमारी बात हुई है, हमारे परिवार के भाई हैं, तो भाभी से बात हुई, दो तीन बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने भी किया, घर से मैं इनकी भाभी कैसे पोजिशन है भैया की, कि भैया इनकी पोजिशन ठीक नहीं है, और बाकी ये कल से इनको ना तो पानी की सुविधा है, लेटरिन की टोंटी खोल खोल करके हमने पानी दिया है नौकर, पानी पीने के लिए, जो RO है यहाँ का वो बिल्कुल ख़राब पड़ा सिस्टम, बाकी कोई डॉक्टर नहीं आया कल से, एक बार पानी मिला, पानी पीने के लिए भी नहीं मिला है, इनकी चेकअप का कोई चेकअप नहीं हुआ, केवल बुखार की टेबलेट इन्होंने दी है और एक बार पानी दिया है, आज पैरासीटामोल, और बाकी जबकि इनकी प्लेटें डाउन थी बहुत ज़्यादा, प्लेट इनकी 40,000 के करीब प्लेटें थी। तो सर ट्रीटमेंट इनका टाइफाइड का चलना था या क्वारंटाइन का चलना था, इसका चलना था? यहाँ तो ये बताइए, ट्रीटमेंट नहीं चला, कोई भी चला तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी चला कल से आज तक, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं, इसकी चिंता क्या करना सर, घंटा जब आदमी मर गया तो घंटा आदमी चला गया, मत बोल रहे आपकी बात से, आपकी बात मना नहीं कर रहा, जितना दुख है आपको सर, दुख क्या है, एक चार बेटी एक बेटा, सारे बच्चे अनमेरिड, घर में कमाने वाला मुखिया यही, कोई दूसरा कमाने वाला नहीं सर,
स्थिति कमजोर, 3-4 बीघा जमीन है, मेहनत मजदूरी अपनी खेती कर रहे हैं, बस उसी से गुजर बसर कर रहे हैं। अब घर का मेन मुखिया ये सर मर गया, कैसे बेटियों की शादी होगी? ब्राह्मण परिवार से हम लोग जन्मे, को ये नहीं है कि वैसे परिवार से हो कर दिया 50,000 में शादी, ऐसा भी नहीं होता सर समाज के हिसाब से। आप फिर बताइए क्या करें सर, उनकी मैसेज मामला बिल्कुल खराब है, ये बतांगी तो आपको सारे। और सर जबरदस्ती आज दोनों गाड़ी जा रही, तो कोई टीम भी तो जाएगी यहाँ से, कह लोग जाते हैं ये है कि जो है वो घटना गलत बात नहीं करा, उस जो लगती है जिसका होता है वो। दूसरी चीज सर सुनो, इनकी जहाँ ये गौरशंकर जी का घर है इनका, वो एक गली है, बंद गली है बिल्कुल, वो लगभग 100 मीटर, सुनो ये मेरी बात सुनिए, 100 मीटर की गली है वो, दोनों तरफ से रास्ते वो ब्लॉक कर दिए कल, गली सारे गांव की मेन रोड सील हो गई। क्यों सील होता है सर? पांच गांव के अब आगमन है सर वहां होकर के, एक आदमी अगर कोरोना निकल रहा तो सारा गांव क्यों सील हो रहा है? मेन रोड क्यों नहीं सील होती? जिला प्रशासन से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों ये रेलवे चलाई, क्यों रेल चला दी, क्यों साप्ताहिक लॉकडाउन बंद कर दिया? 200 मीटर का वो है ना, कम से कम कल से कोई रिपोर्ट है ना, उसकी दिक्कत होना तो चाहिए ना, वहां से लेके आए उसको, कोई आपकी बात सर। एक आज जटिया अस्पताल लेवल 2 में किसी की मौत हुई है क्या? हाँ जी, ये बड़ी दुखद घटना है और बहुत ही ऐसे में मृत्यु हुई है, दुख बहुत ही दुख भरी घटना है सर। परिजनों का आरोप है कि व्यवस्था नहीं है अंदर, व्यवस्था बहुत चरमरा रही है। मैं इसको बिल्कुल चेक कराऊंगा, इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, जो भी दोषी होगा बिल्कुल दंड मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा नाम अजय शर्मा। अजय जी, आपके जो खत्म हुए कौन हुए? ये हमारे भाई हैं गौरीशंकर शर्मा। अच्छा, क्या हुआ था इनके बारे? इनको ये हुआ था सर, ये लगभग 10-12 दिन से मलेरिया टाइफाइड में बीमार थे। अच्छा। बुखार था इनको, मलेरिया टाइफाइड, तो ये सर 10-12 दिन से इसका ट्रीटमेंट इनका चल रहा था। शिकारपुर डॉक्टर आशीष शर्मा एक डॉक्टर हैं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर में सेवा देते हैं, लेकिन उनका प्राइवेट भी अपना एक जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ इनकी दवा चल रही थी। अब ये हुआ कि कल जो डॉक्टर आशीष शर्मा ने इनको बता दिया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। शिकारपुर उन्होंने डॉक्टर आशीष जी ने शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ़ोन कर दिया, वहाँ से कोई टीम आई और इनका चेकअप किया, और वो टीम इनको क्वारंटाइन के लिए यहाँ, इनको और इनकी वाइफ को दोनों को कल शिफ्ट कर दिया खुर्जा जटिया में। कल जटिया में शिफ्ट कर दिया। अब कल भाभी से बात हुई थी, कल भी भाभी से हमारी बात हुई, इनकी भाभी भैया को क्या हो गया, तो भाभी ने ये बताया कि भैया अजय भैया तुम्हारे भैया के साथ बहुत घोर लापरवाही बरती जा रही है, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ये केवल गर्म पानी एक बार दो बार पानी दिया है, बाकी यहाँ के जो हेडपम्प हैं और जो क्या नाम है आर ओ लगे हुए हैं वो सब फेल हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर आता है, लेटरिन सारी बिल्कुल चौक पड़ी हैं, लेटरिन में भी जाने के लिए पानी की सुविधा तक भी नहीं है, वहाँ लेटरिन का पानी पिया, इतना गंदा पानी पीने को मिला है वहाँ कि पानी भी नहीं है, लेटरिन में जा जा करके पानी पिया, लेटरिन की वो टोंटी खोल खोल कर करके। शिकायत की थी आप? शिकायत सर कहाँ से, मौका नहीं मिला, कल क्वारंटाइन हुए, शिकायत का मौका ही नहीं मिला। कितने लोग पॉजिटिव आए थे घर में? पॉजिटिव उनकी वाइफ, 2 बेटी, 1 भाई, 5 लोग पॉजिटिव आए, और गौरीशंकर जी को और उनकी पत्नी को कल क्वारंटाइन किया गया, और आज उनके 2 बेटियां और भाई को क्वारंटाइन आज कर दिया गया, जबकि हमने गांव में ये कही थी प्रधान जी के माध्यम से भी और जो भी टीम आई थी कि सर आप सभी को वहां लेकर मत जाइए, घर में किसान लोग हैं, ये घर में कोई फैमिली में काम करने वाला नहीं है, कम से कम बिटियाओं को तो आप घर में क्वारंटाइन कर दीजिए, लेकिन नहीं, कोई किसी की चलती नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या यहां लापरवाही? सर लापरवाही, पूरी लापरवाही है, जिला प्रशासन पूरी लापरवाही बरत रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं सर, ये कोई टेस्ट नहीं हुआ इनका कल से, यहाँ उनकी वाइफ है, उनको उनको बुलाइए आप मीडिया के सामने, उनसे बात करवाइए, हकीकत वो बताएंगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया कल से, यहाँ इनको मलेरिया था, बाकी क्वारंटाइन की तो कोई बात ही नहीं थी, कोरोना था ही नहीं इनको।